एक प्रसिद्ध गायक, एक एक्टर और दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा से एमपी मनोज तिवारी, स्वागत है आपका द प्रिंट में। सबसे पहला प्रश्न, मुझे पता है आपसे प्रश्न बहुत पूछा गया होगा, लेकिन एक आप ही हैं जो रीनॉमिनेट हुए दिल्ली से, तो इस बात पे आपको प्रसन्नता है या अपने जो फेलो एमपीज थे वो नहीं हुए उसका दुख है? नहीं, थोड़ा सा दुख तो जरूर है, क्योंकि उन साथियों के साथ लंबा काम किया, दो टर्म काम किया, और उन सब की अपनी अपनी क्षमता है, मगर और ये भी धन्यवाद भी है, पार्टी ने मुझे फिर से दिया, बहुत आभार है, लेकिन शायद ना बीजेपी का वर्क कल्चर चेंज हो चुका है। अच्छा। हाँ, इट डजंट मैटर, आपको मिला तो लड़ो, नहीं मिला तो दूसरा काम करो। मूल उद्देश्य है कि पार्टी को जो वादा किया है उसने भारत की जनता से, मानवता से, उसको पूरा कर रही है पार्टी, उसमें चाहे हम सरकार में रहें, जनप्रतिनिधि रहें या फिर संगठन में रहें, सब एक समान चल रहा है, काम करना है। तो ये वर्क कल्चर में क्या चेंज है जो आप वर्क कल्चर की बात कर रहे हैं? वर्क कल्चर में चेंज है कि कई लेवल पे काम करना होता है पार्टी को, संगठन में भी लोग रहते हैं जी, और बहुत आवश्यक है संगठन में रह करके पार्टी को बढ़ाना, कुछ लोग जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, तो दोनों को बैलेंस करते हुए हम लोगों को काम करना है। हमारी पार्टी में इतने विंग हैं, कल्चरल विंग है, जो व्यवसायिक विंग है, चिकित्सा विंग है, खेलकूद विंग है, मतलब पूरा एक ना सरकार के जितने मंत्री मंत्रालय होते हैं उतने पार्टी में विंग हैं। तो हर जगह, अब जैसे हमारी पार्टी अभी आप देखती होंगी सांसद खेल महोत्सव कराते हैं, तो अकेले सांसद तो करा नहीं सकता, तो इस तरह से बहुत सारे लोगों की बहुत जगह जरूरत है, जो काम मिल गया उसको करते हैं। एक तरह से जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की का अरेस्ट हुआ, ये आप लोगों के लिए ब्लेसिंग है या वरिंग है, क्योंकि कई लोग कहते हैं इससे एक सिंपथी वेव भी क्रिएट हो सकता है? देखिए, हम अगर ये सोचें कि किसी भ्रष्टाचारी को सजा मिलने से हम डरें या आगे बढ़ें, तो ये तो भारत के लोकतंत्र के साथ मजाक हो जाएगा। जो भ्रष्टाचार करेगा, जो अपराध करेगा, उसको तो पहले जांच होनी चाहिए, और अगर दोषी है तो उसको सजा होनी ही चाहिए। कभी भी भारत की जनता ये थोड़ी कहती है कि जिसको हम चुन रहे हैं वो भ्रष्टाचारी निकले, वो चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो या मनोज तिवारी हो। जो करप्शन में लिप्त होगा, जो क्राइम में लिप्त होगा, जो देश के खिलाफ साजिश में लिप्त होगा, उसको तो देश की जनता चाहती है कि उसको सजा मिले। कुछ लोगों ने ये समझ लिया कि हमको जनता ने चुन लिया तो हमको सर्टिफिकेट दे दिया है कि चलो जनता को पानी पिलाओ, न पहले साफ दो या न दो, हवा साफ दो न दो, सड़क ठीक दो या न दो, लेकिन अपना राजमहल बनाओ, अपने परिवार को बढ़ाओ, घोटाले करो, तो ऐसे में सिंपैथी नहीं मिल सकती किसी को, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के समर्थक हैं, जो आम आदमी पार्टी है, वो कह रही है कि बीजेपी जानबूझकर ऑपोजिशन लीडर को, खासकर जो पॉपुलर हैं, उनको जानबूझकर टारगेट कर रही है, ईडी हो, सीबीआई हो, उसका मिसयूज किया जा रहा है। नहीं, इस देश में कानून है, कोर्ट है, और कई लोगों के बेल भी हो रहे हैं, तो जांच प्रक्रिया में हालांकि बेल होना अपने उस आरोप से मुक्त होना नहीं है, उसको ये होता है केस चल रहा है, आप थोड़ी देर के लिए किन्हीं शर्तों पे छोड़ा जा सकता है जी। लेकिन ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी जेल कराती है? बीजेपी तो एक पार्टी है, हम करप्शन का मुद्दा उठाते हैं और बोलते हैं जांच हो, जांच में अगर कोई गलत पाया गया तो कोई नहीं बचा सकता। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां आरोप लगा तो लोगों ने इस्तीफा दे दिया, वो नैतिकता दूसरों में क्यों नहीं है, क्यों चली गई? लालकृष्ण आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था वो डायरी कांड में,
मदन लाल खुराना जी ने इस्तीफा दिया था, तो क्यों नैतिकता के मैक्सिमम एग्जाम्पल बीजेपी में ही मिलते हैं? और हम भी, हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े मंत्री कुछ ऐसे आरोप लगे तो मंत्री पद से चले गए और वो अपना केस लड़ते हैं। इसलिए ये अगर कोई आरोप लगाता है कि बीजेपी किसी को जेल करा रही है तो वो जनता को धोखा दे रहा है। तो फिर ये तानाशाही वाला शब्द खासकर काफी यूज करती है ऑपोजिशन बीजेपी के लिए, पीएम मोदी के लिए, एक सोशल मीडिया पे ये बहुत दिखने को मिलता है, तो इसके पीछे क्या कोई कारण है या ये ऐसी निराधार है? बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल निराधार है। तानाशाही किसको कहते हैं? सरेआम मोदी जी को गाली दे रहे हो और उसके बाद भी आप प्रचार कर रहे हो, तानाशाही तो आप लोग कर रहे हैं। आप राहुल गांधी जी की भाषा सुन लीजिए जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए बोला है। प्रधानमंत्री हमसे कांपता है, ये एक तो इतने उम्र में बड़े हैं, ऊपर से राहुल गांधी की देश के प्रधानमंत्री के लिए ये भाषा, तानाशाही तो उनकी है। बट अभी पीएम मोदी के कई बयान आए जिसपे काफी ऑपोजिशन ने भी इसको उठाया है कि वो मुस्लिम्स को एकदम टारगेट कर रहे हैं। मुस्लिम्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो जो देश में नफरत पैदा करने की कोशिश है कांग्रेस की, उसको टारगेट कर रहे हैं। अगर कांग्रेस कहती है कि हम सबकी संपत्ति की समीक्षा करा करके और उसको मुस्लिम्स में बांट देंगे, तो गहना बांट देंगे, आभूषण बांट देंगे, संपत्ति बांट देंगे, तो उसको उजागर तो करना पड़ेगा कि इनकी सोच क्या है। आखिर हिंदू मुसलमान को लड़ाना क्यों चाहते हैं? नीलम पांडे के पास 10 रुपए हैं और मनोज तिवारी के पास 2 रुपए हैं, तो आप, मनोज तिवारी दूसरे धर्म का है इसलिए नीलम के आप उस पैसे को आधा आधा बांट दोगे, ये तो नहीं संभव है। पर कांग्रेस कहती है हमारे मैनिफेस्टो में कहीं रिलीजन को लेके कुछ नहीं लिखा है। नहीं, उन्होंने लिखा है। माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है? माइनॉरिटीज तो लिखा है, तो कांग्रेस का माइनॉरिटीज का मतलब क्या है? निकालिए मनमोहन सिंह जी का बयान, वो सीधे कहते हैं माइनॉरिटीज मतलब मुस्लिम, और इस देश के संसाधनों पे मुस्लिम का पहला हक है। तो वो, उन्होंने हक दिया तो नहीं ना। आज प्रधानमंत्री जी ने एक सभा में बोला है कि मुस्लिम्स को वोट का एक बैंक बनाने के अलावे मुसलमान को जो सुविधाएं आज मिल रही हैं उसको कांग्रेस सरकारों में क्यों नहीं दिया गया? तो अगर हम ये मुद्दा उठाते हैं कि आप इस देश में दंगा फैलाना चाहते हो, तो मुस्लिम को टारगेट नहीं कर रहे हैं बल्कि हम मुस्लिम्स को भी आगाह कर रहे हैं। किसकी औकात है कि दूसरे की संपत्ति लेके दूसरे को दे दे? फिर तो आप गृह युद्ध कराना चाहते हैं ना, हमें उसको टारगेट करना ही पड़ेगा। ये पूरा जो एक तरह से इलेक्शन है लोकसभा का, पीएम मोदी पे केंद्रित है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपने नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अगर आप चुन कर आते हैं तो आप क्या करेंगे? आपका ये देखिए, अभी एक एक, एक ये फ्लाईओवर देखिए जी, ये मनोज तिवारी ने बनवाया है। पहले यहाँ इतना जाम लगता था, अभी आप पीछे शास्त्री पार्क से गुजरी हैं, गाड़ी 1 मिनट नहीं रुकी आपकी। और ये देखिए, इसको पहले लोग नीचे से आते थे तो इस पे भयानक जाम होता था, अब हमने उधर से आने का ये सिस्टम आगे तक कर दिया। और आगे एक फ्लाईओवर है सीलमपुर का, वो सिंगल होता था, मैंने उसको डबल कर दिया, ये डबल वाली लाइन से है, और फिर उसको ले जाके बिल्कुल शास्त्री पार्क पे गिराया। ट्रैफिक कंजेशन को आज हम जिस स्तर पे दूर कर पाए हैं, मेन रोड पे अंदर घुसेंगे तो आपको ट्रैफिक मिलेगा, तो वो भी हम अगले 5 साल में ठीक करेंगे, लेकिन वेयर इज दिल्ली गवर्नमेंट? ये जो पुल बनाया ना हमने, इसके लिए हमको आमरण अनशन पे बैठना पड़ा। सत्येंद्र जैन ने कह दिया कि मनोज तिवारी ने इसको इनिशिएट किया इसलिए हम नहीं बनने देंगे। हम हैरान हैं। अब देखिए थोड़ा सा, अगर कैमरा आपका जाए, ये फ्लाईओवर जा रहा है, ये तो पहले से था मगर ये आने वाला पहले से नहीं था, ये भी अभी बना है। इसको हमने आमरण अनशन करके बनवाया। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक सांसद को एक फ्लाईओवर बनाने के लिए आमरण अनशन करना पड़े, ये शोभा देता है क्या दिल्ली लोकल गवर्नमेंट को? और अब हमारा ये, आप हमारी लोकसभा में आ गए हैं और हमारे लोकसभा में देखिए कितनी स्पीड से हमारी गाड़ियां जा रही हैं,
दिल्ली के किसी लोकसभा में इस तरह का, ये सामने ये देखिए मेट्रो जा रही है, देख रहे हैं मेट्रो, ये सामने से मेट्रो है, ये मेट्रो हम लेके आए हैं नीलम जी, ये मेट्रो 2018 में आई है। क्या इसके पहले सांसद नहीं होते थे? क्या इसके पहले किसी की सरकार नहीं होती थी? मगर उनको काम नहीं करना था, उनको अपना घर भरना था। तो मेरा मानना है कि हम लोग, हम तो लगभग 14,600 करोड़ का काम करा चुके हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन फिर भी हम जो काम दिल्ली सरकार का है जी, जिसमें हमारा कोई फंड नहीं लग सकता, और वो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है, जैसे साफ पानी देना, घर में नल से जल देना, इसको हम ऊपर से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट उसको, उसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं, उसका इंटरेस्ट तो शराब पिलाने में है, शराब घोटाला में। आपके अगेंस्ट जो आपके पॉलिटिकल एडवर्सरी हैं, कहा जाता है कि यूथ में खासकर उनका एक चार्म है, तो उनको आप कैसे देख रहे हैं और आपकी क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कन्हैया कुमार के लिए जो लड़ रहे हैं आपके अगेंस्ट? मतलब आपके कहने का मतलब ये तो नहीं हो सकता, जो भी इसको दावा कर रहा है कि यूथ में चार्म है, कि हमारे देश का यूथ भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाला हो गया है। जो व्यक्ति अभी उनका, कल का भी उठा लीजिए जो नॉमिनेशन हुआ है, जिनको नॉमिनेशन में लोग नहीं मिलते हो, जिनको चुपके से जाकर के 8 आदमी के साथ नॉमिनेशन करके आना पड़ता हो, वो उनका यूथ, ये इस देश का यूथ भारत को मजबूत करने वाला है, जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है। वो जो आतंकवादी किसी कहीं पल भी रहे होंगे तो उनको नष्ट करने की सोचने वाला है, घर घर से आतंकवादी निकालने वाला नहीं है। आपने टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की, ये काफी फ्रेज यूज हुआ है भाई, इसका अर्थ क्या है, क्या है ये टुकड़े टुकड़े गैंग? भाई टुकड़े टुकड़े गैंग वो है जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। पहले भी तो भारत के टुकड़े हुए ना, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, तो अभी भी लोग यही जो टुकड़े टुकड़े भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये जेएनयू में नारे लगे, वही नारा लगाने वाला व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ रहा है। और वो कई बार मैं इंटरव्यू में सुनता हूँ कि कहते हैं कि हमको जेल में डाल दो, जेल में तो वो जाएंगे, केस चल रहा है उनका, नॉमिनेशन उठा के रखी, उन्होंने लिखा है कि इस पे मैं बेल पे हूँ। तो जिस केस में आप बेल पे हैं, ठीक है, देश में न्याय व्यवस्था थोड़ी सी स्लो चल रही है, बहुत सारे केसेस हैं, मगर उनको तो सजा मिलनी है। और मुझे नहीं लगता कि इस देश का कोई भी युवा, कोई भी देशवासी जो देश को प्यार करता हो, वो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले या घर घर से आतंकवादी निकालने वाले के साथ खड़ा होगा। ये आपको लगता है ये उनकी एक तरह से आइडियोलॉजी है, ये बिलीफ है? 100% बिलीफ। क्या मतलब, कोई ऐसा थोड़ा कि एक घटना हो गई जी, उसके बाद भी भारत की सेना को गाली देने वाला, भारत की सेना जिसपे देश को भी गर्व है और दुनिया के न जाने कितने देशों में जा करके शांति सेना के लिए काम करती है, उसको आप सीधे जो गाली देते हैं, वो गाली मेरे मुंह से निकल भी नहीं सकती सेना के लिए। और उसके बाद भी उनके ऊपर दर्जनों केस है, महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के, और उसके वो सारे, अभी देखिए मैं आपके सामने लाता हूँ। मैं तो पहले तो मैं सोचता था पता नहीं नॉमिनेशन करेंगे कि नहीं, लेकिन अब कर दिए हैं तो ये बात चलेगी। और अगर इसके बाद भी, भाई हम तो ये नहीं कहते कि उनको, हमारे क्षेत्र में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते, अब वो भी सोचेंगे कि उनको वोट दें या ना दें, क्योंकि 10 साल में मनोज तिवारी का भी तो व्यवहार पता चला है ना, वो कोई भी हो। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे व्यक्ति के साथ लोग नहीं जा सकते। आप कह रहे हैं कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, आप किसी समुदाय की बात कर रहे हैं, जनरली बोल रहे हैं? नहीं, कई लोग हैं जो बीजेपी को वोट, हर चुनाव में कुछ लोग किसी और को वोट करना चाहते हैं जी, लेकिन कैंडिडेट ऐसे हैं कन्हैया कुमार कि शायद वो भी अब
बीजेपी उनकी उतनी विरोधी पार्टी नहीं है जितना विरोधी व्यक्तित्व कन्हैया कुमार जी का इस देश के लिए। आप देखते हैं बीजेपी दो बार से क्लीन स्वीप कर रही है, दिल्ली में क्या हो जाता है बीजेपी को? 26 साल हो गए पावर में नहीं आई है, पहले कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी, तो ऐसा कहाँ चूक रह जा रही है? एमसीडी इलेक्शन में भी इस बार आप लोग हार गए, तो जब लोकसभा में आपको एक्सेप्टेबिलिटी है तो दिल्ली इलेक्शंस असेंबली इलेक्शंस में क्यों नहीं, कहाँ चूक रह गई है? देखिए चूक उसको नहीं कहेंगे जी, एक व्यक्ति आए अरविंद केजरीवाल और उन्होंने बहुत सारे सब्ज बाग दिखाए, बहुत सारे सपने दिखाए, उस सपने में भ्रमित होना स्वाभाविक था क्योंकि वो इतनी लच्छेदार बातें थी, इतने लुभावने वादे थे कि लोगों को लगा अरे वाह ये भी हो सकता है क्या। पर धीरे धीरे आज दिल्ली की जो स्थिति हो गई है, आज दिल्ली में साफ पानी नहीं, दिल साफ हवा नहीं, साफ यमुना नहीं, आज दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन नहीं, आज दिल्ली की सड़कें गलियां टूटी, पानी का जल जमाव, जिस गली में जाते हैं हमारा भी कॉलर पकड़ते हैं लोग, जो काम ही नहीं मेरा है, जिसकी चाबी 25 साल से 26 साल से या तो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को दी गई, उसका भी हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। मगर हम समझाते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के साथ मिल करके जब कोई वोट मांगने जाएगा तो जनता तो पूछेगी कि आपको 25 साल से 26 साल से दिल्ली दिया था, आपने दिल्ली का क्या हाल किया, कौन आपको देश देने की सोचेगा। पर दिल्ली के लिए अगर आम आदमी पार्टी के पास एक चेहरा है, कांग्रेस के पास पहले शीला दीक्षित थी, आप लोगों के पास आज कौन कौन ऐसा चेहरा है? जो चेहरा था उसने न्याय तो नहीं किया, चेहरा तो ठीक है बट चेहरा तो आज पिलाना था पानी, पिलाने लगे शराब, चले गए हैं जेल में और आज दिल्ली शर्मसार है कि हम जिसको मुख्यमंत्री चुने वो भ्रष्टाचारी निकला। तो रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी भाई हमारे कई राज्यों का एग्जाम्पल लीजिए, हमारा कोई ना कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है और प्रदेश को ऐसा चलाता है कि प्रदेशवासियों को गर्व होता है, महिलाओं को 1000 रुपए मिलते हैं, लाडली बहनों को 2500-2500 रुपए महीने मिलते हैं, हमारे यहाँ 5 लाख रुपए का फ्री इलाज मिलता है, हमारे यहाँ बेघर को प्रधानमंत्री आवास मिलता है, ये सारी चीजें क्या दिल्ली में मिलती है किसी को? तो ऐसे में मेरा मानना है कि अब दिल्ली की जनता वो भी जो दूसरी चाबी है वो भी नरेंद्र मोदी जी को देगी 2024 में प्रधानमंत्री बनाने के बाद। और हम नीलम जी, हम आपको आपके प्रिंट के फोरम पे बोलना चाहते हैं, 1-5 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहें और दिल्ली में राज्य में बीजेपी की सरकार हो जाएगी, हम इस 5 साल में दिल्ली की सारी समस्याएं जो लोगों के सामने हैं उसको दूर कर देंगे। आपका विजन क्या है दिल्ली के लिए? हमारा दिल्ली के लिए विजन है दिल्ली को घर घर साफ पानी मिले, दिल्ली को जल जमाव से मुक्ति मिले, दिल्ली को साफ यमुना मिले, दिल्ली को साफ हवा मिले और दिल्ली को, दिल्ली के लोगों को उसका अवसर मिले जिसके लिए दिल्ली हक रखती है। एक आखिरी प्रश्न, बीजेपी एक तरह से भोजपुरी स्टार्स एक्टर इनसे काफी फैसिनेटेड है, ऐसा क्या वो लोग मतलब लाते हैं पार्टी के लिए जो शायद और कोई नहीं कर पाता? देखिए कई लोग हैं जो राजनीति में सेवा देना चाहते हैं इसलिए वो आ रहे हैं और हम योग्य लोगों का सम्मान करते हैं। हम तो बस सबसे बड़ी बात बटे कि हम प्रार्थना करता नहीं कि फिर एक बार मोदी सरकार बने और सबका सपना साकार हो। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।